अस्सलाम वालेकुम, मैं उमरियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट कंपटीशन हूँ। मैं आपको नॉलेज देती हूँ ब्यूटी से रिलेटेड, जो हम पार्लर में सीक्रेट्स करते हैं उनका, और हर्बल आपको रेमेडीज़ बताती हूँ, सीक्रेट रेमेडीज़ बताती हूँ एज ए हर्बलिस्ट। आज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही आपने बता दिया, ब्रांडेड आपने दिखा दिए, ग्लिटर्स आप ऐसे दिखाएं जो हम लोग अफोर्ड कर सकें अपने छोटे से पार्लर में। तो मैं आज आपको सारी टाइप्स बता रही हूँ जो जो ग्लिटर्स की होती हैं, ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं। और आप लोग एक चीज़ जहन में रखा करें, जब आप मेरी वीडियो देखते हैं ना, मैं आप लोगों को नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ कि एक चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हो। आपने ब्रांड्स में स्टक नहीं होना, आपने चीज़ देखनी है कि इस टेक्सचर में ये चीज़ है, इस टेक्सचर में ये है, तो आपने कोई भी ब्रांड लेना है तो उसको यूज़ आपने किस तरह से करना है, ठीक है ना। आपने ये चीज़ देखनी है, मैं आपको नॉलेज डिलीवर करती हूँ। मैं ब्रांड्स के नेम्स वगैरह प्रमोट नहीं करती, आप लोगों को आप जहन में रखा करो कि मैं क्या बात कर रही हूँ, फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं आज आपको बताऊंगी, आपने एक ना ओपन माइंड से देखना है इन सब चीज़ों को, और कुछ सीखना है आपने कि किस किस किस्म के ग्लिटर्स होते हैं, उनको आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास वो नहीं है तो उनको किस तरह से करके मोल्ड करके आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ग्लिटर्स का बहुत ज़्यादा फैशन आया हुआ है और हर कोई आता है ग्लिटरी मेकअप कर दें। तो मैं अब आपको टाइप्स बताने लगी हूँ। ये देख लें, ये पेंसिल्स हैं ग्लिटर्स वाली, आपको आम मिल जाएंगी शॉप्स पर, किसी भी ब्रांड की हो। आपने ये नहीं देखना कौन सा ब्रांड है, मेरे पास ये नोट ब्रांड है, मैंने इसके पहले स्वेचेस भी आपको सब दिखाए थे। आप ये देख लो, ये नोट ब्रांड की है मेरे पास, आपने किसी भी ब्रांड की ले लेनी है अगर आपका काम इससे चलता है। अच्छा, ये मैं अब आपको बता दूँ ये इस्तेमाल किस लिए होती हैं, ठीक है। ये हम लोग जैसे नीचे लैश लाइन पे हम लोग कोई भी कलर लगाते हैं, जैसे ये बिलफर्स पर्पल कलर का हम लोगों ने नीचे आइज के पर्पल से हमने ब्लेंडिंग की है, तो हम उसके साथ इसको लगा देते हैं, ठीक है, और उसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर देते हैं। एक क्रीमी पाउडरी टेक्सचर मिल के ना बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है और फिर उतरता नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसका पर्पज़ ये होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, एक तो हम इस ब्लेंडिंग में यूज़ करते हैं, दूसरे हम लोग इसको यूज़ करते हैं जब हम लाइनर लगाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें आप मॉडल लुक दें, तो उसके अंदर हम लोग लाइनर इसी का ही लगा देते हैं, किसी भी डार्क कलर को लेके, और उसको हम कलर के साथ ब्लेंड कर देते हैं तो एक यूनिक सा लुक आता है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको इस तरह से लगाते हैं कि हम लोग जब आई लाइनर लगाते हैं उसके नीचे लाइन लगा के उसको ब्लेंड कर देते हैं कलर के साथ, ठीक है। ये आपने देख लिया, बहुत ही क्रीमी होती है। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने जब ये कोई सी भी ब्रांड की जब आपने पेंसिल्स चूज़ करनी है ना, तो आपने ये देखना है कि वो क्रीमी हो, बटरी हो, ऐसा ना हो कि आप कस्टमर की या अपनी स्किन को लगाते रहे और वो लगे ही ना। देखें, एक ही उसमें वन गो में ये कितनी अच्छी सी लग जाती है। तो इस तरह का आपने सिर्फ माइंड में ये रखना है कि ऐसी हो जो ईजिली ब्लेंड हो जाए, ठीक है। ये हो गई एक, ये किस्म हो गई ग्लिटर की। दूसरा हमें ना इस तरह से मिलती है, पैकिंग में भी मिलती है, लैदर से भी मिलती है। ये मेरे हस्बैंड दुबई गए थे तो लेके आए थे, ये देखें, और इसमें तीन कलर थे। यहाँ पे भी मिल जाएगा ये वाला, उस रुसहास कंपनी है, कौन सी है ये वाली कंपनी है, देखें एक करीब से देख लें, इस कंपनी की यहाँ पर चीज़ें आई हुई हैं आप, ठीक है। इसमें देख लें, इसके अंदर थ्री कलर्स थे। इसके लिए ना ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती कि खजल ख्वार हों, नीचे हल्की सी हम लोग कलर लगा देते हैं, जो भी हमने लगाना है ऊपर हम लोग इसको लगा देते हैं। आपको पता है यूजुअली यही वाले कलर्स ही यूज़ होते हैं, ये देखें। अच्छा, ये हम लोग आईज़ के नीचे भी लगा सकते हैं, हम लोग आई लाइनर के तौर पर भी लगा सकते हैं, लाइनर ब्रश के साथ हम लोग इसको सॉकेट लाइन पर भी लगा सकते हैं, हम इसको लाइनर के नीचे भी लगा सकते हैं, हम इसको एज इट इज़, ये देखें ये इसका इतना प्यारा गोल्डन कलर है, हम इसको पूरी लिड पर भी लगा सकते हैं। आप इसको सिर्फ लाइनर की मदद से, लाइनर ब्रश की मदद से एज ए लाइनर भी लगा सकते हो, आप इसको खाली भी लगा सकते हो। आप ये खुद सोचा करो कि आप एक चीज़ों को मल्टीपर्पज़ आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आपने एक चीज़ को सिर्फ जिस चीज़ के लिए आपको है तो उसी तरह ही इस्तेमाल करिए। देखिए ये कितने प्यारे कलर्स हैं, तीनों इन कलर्स हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। एक तो ये इस तरह से आता है जो बाद में ये ग्लिटरी से होते हैं, और बाद में ये थोड़ी देर के बाद ये आपके सेट होते हैं, मतलब ड्राई होते हैं। इसी तरह के ये देख लें, एसेंस के भी इसी तरह के होते हैं, ग्लिटरी से होते हैं, और इसके जो ग्लिटर होते हैं ना, चंक्स होते हैं अंदर, बहुत ही फाइन होते हैं,
सेंस के, ये आपको 800, 850, 900 की रेंज में ये आसानी से मिल जाते हैं, हर आउटलेट पे बड़ी बड़ी शॉप्स में मिलते हैं। सेंस के ब्रांडेड हैं ये, इसका भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये भी आपने इसी तरह ही यूज़ करना है। ये देखें इसके जो ग्लिटर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा फाइन है, जैसे पाउडर ग्लिटर्स होते हैं ना उस शेप में हैं, मतलब उतने इसके फाइन ग्लिटर्स हैं। जैसे उसके बड़े बड़े हैं ना, इसके इतने नहीं हैं, उसके भी बड़े इतने नहीं, मतलब कि थोड़े इससे ये ज़्यादा फाइन में है। अब ये देखो, आपको बड़े ग्लिटर्स में चाहिए, छोटे में चाहिए, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने किस तरह से करना है। ठीक हो गया, एक ये चीज़ हो गई। और दूसरा ये कि आपने ये भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा वेल नोन है यहाँ पे हैंक फेंक के ये ग्लिटर्स हैं। ये मेरे पास ए पैलेट भी है, बी भी है, इसका भी मैं आपको रिव्यू दे चुकी हूँ। ये भी अगर आप ले लोगे दो पैलेट्स, इसके अंदर आपको 12 कलर मिल जाएंगे और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हर तरह का है इसमें, ग्लिटर हैंग फेंग का हर नंबर आ जाता है इसमें, और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, इतना काफ़ी रह जाता है। ड्राई होने से भी बच जाता है कि ड्राई होने से पहले आपके ख़त्म हो जाते हैं, साल डेढ़ साल चल जाता है। देखें ये बहुत फाइन फाइन से हैं, मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। मैंने वैसे इसके सारे स्वेचेज आपको दिखाए हैं, आप जाके देख सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में। ये देखें कितने फाइन से हैं, और आप इसको, आपका तरीका ये है कि आपने लगाना है और उसके बाद आपने जब तक ड्राई नहीं होना आपने इसको मूव नहीं करवाना आइस को। ये देखें कितने फाइन कलर्स हैं और कितने फाइन ग्लिटर्स हैं। हैंग फेंग भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बड़े साइज़ में भी आते हैं, छोटे साइज़ में भी आते हैं, जिस साइज़ में आपने लेना हो आप ले सकते हो। जो ये वाले हैं, ये वाले आपको मिल जाएंगे 400 से 500 के दरमियान, तीन मिल जाएंगे। ये वाले जो हैं ये आपको तकरीबन 6 है ना, 100-100 रुपए का एक या 80 रुपए का एक, जिसका जितना दाव चलता है वो ले लेता है पैसे। इस तरह से आपको मिल जाएंगे, मतलब 500-600 की आपको पूरी मिल जाएगी ये पहले, ये आप ले सकते हो। ये हो गया दूसरे, ये देखें ये लूज ग्लिटर्स हैं, ये आम कॉस्मेटिक्स की शॉप्स पे आपको मिल जाएंगे, जो आप सीलर से लगा सकते हो, आप ग्लिटर ग्लू से लगा सकते हो, किसी भी चीज़ से लगा सकते हो। और जो पूछ रहे थे ना कि बुक्स शॉप पे कैसे मिलते हैं, बुक्स शॉप पे देखें इतने बड़े बड़े मिलते हैं, यही वाली चीज़ होती है। ये आपको 50 का मिलेगा कॉस्मेटिक शॉप से, इतना बड़ा आपको वहाँ से 30, 35, 50 का मिल जाएगा, जो आप बालों में भी यूज़ कर सकते हो, आईज़ पे भी होती सेम चीज़ है। ठीक है, ये शेप हो गई। और आप बाज़ार में देखते होगे इस तरह के अलग अलग भी मिलते हैं, तीन का भी एक ही जैसा होता है, चार का भी होता है, इस तरह से ये प्रेस ग्लिटर्स होते हैं। कुछ की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ की आपको अगर आ भी जाए इस तरह से तो आप उसको फिर ग्लू से या उससे सेट कर लेते हो। एक ये फॉर्म होगी ग्लिटर्स की, एक इस तरह की आपको मिलती है जिसके आगे ब्रश लगा हुआ होता है, जो एज ए आई लाइनर यूज़ होता है, इस तरह से करके आप लिड के ऊपर लगाते हो या लाइनर लगाते हो, एज ए आई लाइनर आप यूज़ करते हो। एक ये वाली फॉर्म है, ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये देखें। एक इसकी ये फॉर्म हो गई, और इस तरह के भी मिलते हैं, ये देख लें, मेरे पास मेकअप गैलरी के हैं, इसी तरह के रिवाज के मिलते हैं, जिसके आगे ये ब्रश लगा हुआ होता है, आप आईज़ के नीचे आराम से लगा सकते हो, आईज़ के ऊपर लगा सकते हो, और बहुत प्यारे तरीके से फाइन तरीके से ये लग जाते हैं। ठीक है, एक ये तरीके हो गया। और एक ये वाले होते हैं, आपने ये देखा है, ये वाले थोड़े से मोटे होते हैं, और ये वाले जो उनसे होते हैं ना, ये थोड़े बारीक वाले भी होते हैं, कुछ मोटे होते हैं कुछ बारीक होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, और मैं आपको लोकल जो है आराम से मिल जाएगा ये दिखा दूँ, मैंने इसका भी रिव्यू दिया हुआ है, इसकी दो पैलेट्स हैं ए और बी, उसके अंदर सारे कलर्स आ जाते हैं, आप अगर ले लो तो ये 600 की रेंज में ये आ जाती है। और ये भी प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे ना वो ब्रांडेड, ये यूँ समझ लें उसी तरह के ही हैं, तकरीबन मिलते जुलते हैं। इसके ग्लिटर्स भी बहुत फाइन है और बहुत प्यारे लगते हैं। इसका भी अगर आप कहोगे दोबारा से मैं आपको रिव्यू दे दूंगी, दोबारा से करके दिखा दूंगी। इसका एक पैलेट मैंने इस्लामाबाद मंगवाया था आप लोगों के लिए, एक इधर पड़ा हुआ था तो मैंने कहा दिखा दूँ। ये देखें ये कितने नाइस लग रहे हैं, लेकिन आपने लेने ओरिजिनल है, चेक कर लेने हैं कि ये ठीक है। इनका भी स्वैच बहुत अच्छा है, और इनका भी लगना और वो बहुत अच्छा है कि रुके रहते हैं, ये उतरते नहीं हैं। ये देखें कितने खूबसूरत से कलर्स हैं। ये भी आपको लोकल मार्केट में मिस रोज़ के ग्लिटर्स आराम से मिल जाएंगे, 600 से 700, 800 जितने जिसकी मर्ज़ी आती है वो पैसे ले लेता है। ये देखें हो गई सारी कन्फ्यूजन दूर। ये पेंसिल्स हैं, ये ग्लिटर्स हैं जो उसमें बॉटल में होते हैं, और ये प्रेस ग्लिटर्स हैं, ये भी प्रेस ग्लिटर है जो एक की शक्ल में मिलता है,
और ये लाइनर हैं, ये दूसरे हैं जो आपको क्रीमी टेक्सचर में मिलते हैं, बाद में ड्राई हो जाते हैं। ठीक है जी, और कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। और एक और बात कि आप लोगों को मैंने बता दिया था कि प्राइमर से लगता है कि ग्लिटर, प्राइमर से ग्लिटर्स लगते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको इससे भी इकोनॉमिकल तरीका चाहिए तो वो मुझे आप इनबॉक्स कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए वो तरीका भी ले आऊँगी कि और कितने तरीक़ों से आप ग्लिटर्स, लूज ग्लिटर्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई चीज़ आपने पूछनी हो या किसी का रिव्यू चाहिए हो तो आप मुझे फिर इनबॉक्स कर दीजिएगा। ओके, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैं इनकी पिक्चर्स जो है ना ग्लिटर्स की, अपने इंस्टा पे डाल देती हूँ, इंस्टा का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन से ग्लिटर्स का मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया है, तो आप पिक्चर्स में जाके, ये वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।